हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किडमेटिक चैनल में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। अगर आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ये बात सुनकर ही जाएगी दोस्तों कि आपके लिए सोशल मीडिया है या नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया आखिर किन के लिए बना और किन के लिए नहीं बना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं जुड़ा होगा। दुनिया के हर एक बंदा, दुनिया में कम से कम दोस्तों 99.9% यूजर जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दोस्तों किसी भी छोटे यूजर से या बड़े यूजर्स को देख लीजिए, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे और भी काफी चीजों से जुड़ा ही होगा। दोस्तों ये होती है हमारे सोशल मीडिया की पावर। दोस्तों हर एक बंदे को जोड़ के ही रखता है। दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हर एक बंदा जुड़ा ही तो जुड़ा ही है। दोस्तों लेकिन दोस्तों जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे नॉलेज भी मिलेगा और फेक न्यूज भी मिलेगा जो आपका दिमाग को खराब कर सकता है। दोस्तों बाद में आपको बता देना चाहता हूँ किन किन के लिए दोस्तों सोशल मीडिया नहीं है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, उसे सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि अगर इस वक्त से उसे सोशल मीडिया से जोड़ते हैं तो उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा अहम बात बैठने लगेगी, बहुत ज्यादा फेक न्यूज आने लगेगा, बहुत ही ज्यादा दोस्तों गलत सोचने लगेगा, बहुत ही बुरा सोचने लगेगा, उसको बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों पहला कि छोटे बच्चों को हमेशा दूर रखें। दूसरी बात दोस्तों, जो पेशेंट हो या किसी हॉस्पिटल में हो दोस्तों, जिनकी तबीयत खराब हो, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें। अगर दोस्तों सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उस वक्त के लिए, उस पे कुछ फेक न्यूज उनके पास शेयर हो गई तो उसको न्यूज को देख के उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों इसलिए सोशल मीडिया को हमेशा दूर रखें पेशेंट से लेकर। तीसरी बात दोस्तों, जो अपनी क्वालिटी, अपनी परफॉर्मेंस कुछ हाई क्वालिटी के देना चाहते हैं, जैसे दोस्तों पुलिस में जो जॉब करना चाहते हैं, यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ना, क्योंकि सोशल मीडिया के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, सोशल मीडिया का नॉलेज उनके लिए आना चाहिए। लेकिन दोस्तों उनके लिए बहुत ही खराब बात है, उनको सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं जुड़ना चाहिए। उनको जहां से नॉलेज मिलता है वहां उस ऐप को डाउनलोड करें, उस वेबसाइट पे जाएं, उसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ाई करें और किसी फेक न्यूज या किसी रॉन्ग न्यूज के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों ये तीन लोगों को दोस्तों हमेशा फेक न्यूज, ऐसे बहुत सारे राइट गलत चीजों से दूर रखना चाहिए। ये दोस्तों सोशल मीडिया बहुत ही बेकार चीज है, एक कीड़ा की तरह है जो आपको दिमाग को चढ़ जाएगा, दोस्तों खा जाएगा। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए इन तीन लोगों को हमेशा दूर रखें और इन तीन लोगों के लिए खास कर सोशल मीडिया नहीं बनाना। दोस्तों अगर आप किसी, मान लीजिए दोस्तों आप किसी आदिवासी को ले जाके फोन देते और कहते हैं सोशल मीडिया पे काम करो, फेसबुक ऑन करो, वो तो समझेगा नहीं दोस्तों कि सोशल मीडिया है क्या, इसमें क्या चीज है, बोल रहा है फेसबुक क्या होता है, वो कुछ नहीं समझेगा, उनके लिए सोशल मीडिया है नहीं। दोस्तों लेकिन मैं आज इस समय मैं रूरल और अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि किन किन लोगों के लिए सोशल मीडिया और किन किन लोगों के लिए नहीं। दोस्तों ये तीन लोगों हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे से दूर रहे, इसलिए आपको अच्छा भी नॉलेज मिलेगा, फेक भी नॉलेज मिलेगा जो आपके माइंड को खराब सकता है, जो आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया से कितना हमको कैसे जुड़ना है, किन लोगों के लिए जुड़ना चाहिए, किन लोगों के लिए नहीं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया के बारे में अच्छाई और बुराई जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर समझ लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।